बीमारी के बारे में बताएंगे। तो मोटापा के लिए सुन लो पहले, चल मोटापा के लिए कुछ बहुत मोटी मोटी बातें बता रहा हूं जिसको रोज कर सकते हो। एक तो गर्म पानी पियो, सुन लो, मोटापा के लिए गर्म पानी ये दवाई है। आप यदि एक महीने भर गर्म पानी ही पीते हैं तो आप कम से कम 2 किलो वजन घटा सकते हैं खाली गर्म पानी पी के, और 12 महीने गर्म पानी पिया तो कितना कम हो जाएगा? बोले बाबा फिर तो प्राणायाम करने की जरूरत ही नहीं है। प्राणायाम भी करना लेकिन गर्म पानी पीना, जब भी प्यास लगे गर्म पानी पी। इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, मैं कोई बात मैंने प्रयोग किए हैं लोगों के ऊपर ये तो है ही, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जापान देश। जापान में 99% लोग मोटे नहीं होते। क्या पीते हैं सुबह से शाम तक? गर्म पानी पीते हैं, ये लो। तो और हम लोग पानी में भी आइस डाल के, फिर फ्रीज का पानी तो जहर है, कभी नहीं पीना। खैर अब तो सर्दियां, अब तो पियोगे तो वैसे ही जुकाम हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर क्या है? बॉडी टेम्परेचर पर यदि हम रहें तो सबसे अच्छा होता है। खाएं पिए जो भी चीजें, बहुत ज्यादा गर्म बहुत ज्यादा ठंडी चीजें, ये दोनों ही नुकसान करती हैं। बहुत ज्यादा ठंडी चीजों से कफ बढ़ेगा, वायु बढ़ेगा। बॉडी टेम्परेचर कितना है बोलो? 37। और फ्रिज का जो पानी होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? कुछ तो इतना चील्ड पीते हैं, 5 to 10 degree Celsius, 3 गुना 4 गुना ज्यादा ठंडा कर दिया आपने और फिर पी रहे हो। फिर तो थायराइड हो गई, फिर तो गला खराब होगा, टॉन्सिल होंगे। सुन लो, ये तो एक छोटी सी बात दिनचर्या से भी जुड़ी हुई थी। मोटापा कम करना है तो गोमूत्र का अर्क पी लो। ये गोमूत्र का अर्क आपको पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों आदि से मिल जाता है। और भी कुछ महापुरुष इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे गौशाला, गोरक्षा, गो संवर्धन, नंदी की रक्षा। गांव की नस्ल इसलिए बिगड़ गई क्योंकि जिस सांड से एक गाय नहीं हुई उसी की संतानें उसी सांड से नहीं होती रही तो नस्ल खराब हो गई। बड़ा जो है बहुत गहरा विज्ञान है इसका ये। खैर, गोमूत्र का अर्क। अब गोमूत्र के अर्क के फायदे सुन लो पहले। कपालभाति भी करते जाओ, अपना काम बंद मत करो। गोमूत्र का फायदा सुन लो। गर्म पानी बताया, अब गोमूत्र बता रहा हूं मोटापा के लिए। इसके साथ और भी कई चीजें जुड़ रही हैं। गोमूत्र का अर्क पीने से एक तो आप यदि प्राणायाम नहीं करेंगे तो भी 3 से 5 किलो वजन कम कर सकते हैं महीने भर में। और आपने यदि 5-6 महीने कर ली गोमूत्र पी लिया तो आपका वेट नॉर्मल हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। लेकिन चीजें ना नियम से करना, नियमित करना जो कुछ बता रहा हो। ऐसे नहीं कि एक दो दिन तो जोश जोश में किया और बाद में ठंडे पड़ गए। अब जैसे आप अभी योगाभ्यास कर रहे हैं तो आप लोग को लग रहा है ना कि तो एक एक दो दो किलो हमारा वजन कम हो रहा है, इससे बढ़िया तो कुछ नहीं। तो इससे श्रद्धा बढ़ती है आपकी। सुनो, गोमूत्र का पीने से वेट कम होगा। गोमूत्र का अर्क पीने से कोलेस्ट्रॉल कम हो, हार्ट के ब्लॉकेज में भी बहुत फायदा होता है, टीबी में बहुत फायदा होता है, कैंसर में बहुत लाभ होता है, लीवर किडनी की बीमारी में बहुत फायदा होता है। और वेट के लिए और पेट के लिए, वेट तभी कम होगा जब पेट ठीक होगा। कब्ज की कोई दवाई नहीं है दुनिया के अंदर। जिस दिन दवाई लोगे, हरड़ का चूर्ण ले लो, पंचकार चूर्ण ले लो, कोई भी, हम भी जब ज्यादा कब्ज हो जाता है तो देना पड़ता है चूर्ण, दिव्य चूर्ण बनाते हैं, पंचकार चूर्ण आयुर्वेद में दिया जाता है, त्रिफला चूर्ण दिया जाता है, हम भी हरड़ चूर्ण देते हैं, पंचकार जो है ये दिव्य चूर्ण देते हैं, उदर कल्प चूर्ण देते हैं पेट साफ के लिए। पेट साफ करने वाले जितने भी चूर्ण हैं ये आंतों को कमजोर करते हैं, इसलिए रोज नहीं खाने चाहिए। आंवला एलोवेरा रोज पी सकते हो, जिनको पुरानी कब्ज है उनके लिए बता रहा हूं।
तो उससे फिर आपको एनर्जी भी मिलेगी और कब्ज दूर हो जाएगी। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय है गोमूत्र, 4-5 चम्मच सुबह गरम गरम तेज गरम पानी में पी लो, एकदम पेट ऐसे साफ हो जाएगा। और 2-3 महीने ऐसा ये गोमूत्र पीने से कॉन्स्टिपेशन परमानेंट क्योर हो जाएगा। काओ यूरिन थेरापी हो गई है। सबसे ज्यादा लाभ मोटापा, कब्ज, उसके बाद इसका जो दूसरा लाभ है वो टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट जो भी बढ़े हुए बॉडी के कम करता है। इसलिए चाहे टीबी की बीमारी है, चाहे कैंसर की बीमारी है, चाहे लीवर की, चाहे स्किन की बीमारी, चमड़ी के रोग, खून को साफ कर देता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, बॉडी को डिटॉक्स करता है। ये बता दिया आपको गोमूत्र। मोटापा के लिए अगली बात, जिनको मोटापा है ना, तो योगाभ्यास करेंगे तो फैट जो है कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लो कार्बोहाइड्रेट लें, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट, अनाज में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, ये वेट को बढ़ाता है। तो आपका फैट जो है, ये जो मोटापा है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? खाने में कन्वर्ट हो जाता है। फैट फूड में कन्वर्ट हो जाएगा। फैट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फैट को फूड में कन्वर्ट करना है, रूपांतरित करना है। तो कार्बोहाइड्रेट डाइट में कम ले, अन्न कम कर दे, अन्न कम, ये ध्यान रखें। तो प्रोटीन किस में मिलेगा? दालों में मिलेगा, पनीर में मिलेगा, दूध भी बिना फैट वाला। अच्छा, ये तो मोटापा के लिए बता दिया। ज्यादा मोटापा है तो मेदू और बटी ले लेना, साग सब्जियां ज्यादा खाना, आप लौकी, तुरई, परवल और फलों में पपीता, खीरा, ककड़ी, पत्ता गोभी, ये सलाद आदि खाओ, और अंकुरित मूंग। आप 4 से 6 महीने में अपना 40 से 50 किलो वजन घटा सकते हो, इसमें आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। हमने हजारों नहीं लाखों लोगों का कम किया है। तो ये तो मोटे भाई बहनों के लिए एक बात बता दी, इसके ऊपर आप पूरा विश्वास रखो, भरोसा रखो, क्योंकि यह मैंने अनुभव किया। आप में से भी बहुत भाइयों ने देखा, यहां पहले ही दिन से बताना शुरू किया था कि मेरा किसी का 30, किसी का 25, किसी का 40 किलो भी वेट कम करके आए थे, 95 किलो वाले भाई, 95 किलो वाले का 62 किलो हो गया, तो घटता ही है। कितना कम हो गया? 23 किलो कम हो गया, 33 किलो, ऐसे ही। आप में से भी बहुत उन्होंने कम किया। अरे आप तो, हमने शिविर में एक तो काम कर ही दिया, वेट मशीन तो रख सकते हैं अभी, बाकी फिर ब्लड टेस्ट करना, एक्सरे करना, अल्ट्रासाउंड करना, सीटी स्कैन करना, सारे टेस्ट शिविर में संभव नहीं होता है।